देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि जेठ अखिलेश ने बहू अपर्णा को लेकर दिया बड़ा बयान, और यहाँ पर बहू अपर्णा पर किया खुलासा, जिसे सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बड़ा झटका लगा था। दरअसल जब बीजेपी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चा हुई थी अपर्णा यादव को लेकर, उस दौरान अखिलेश यादव का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है अपर्णा यादव को लेकर और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए। ये ट्वीट आपको हमारी रिपोर्ट में नजर आ रहा होगा, जिसमें अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बीजेपी को लगता है कि वो हमारी बहू को अपने पाले में लेकर हमें हरा देंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि रावण के भी कई सारे सिर थे, उसे एक बार कोई नहीं मरवा सकता। हर बार यदि बेशक हम यदुवंशी हैं, लेकिन रामायण को हर किसी ने कई बार पढ़ा है। हमारी नाभि में अमृत कहाँ छिपा है, ये आज के विभीषण को भी नहीं पता। जी हाँ, इस तरीके का ट्वीट अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने यह अपर्णा यादव को लेकर ट्वीट किया था जब वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुई थी, और कहा जा रहा था, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें लगता है कि अपर्णा यादव को अगर वो बीजेपी पार्टी में शामिल कर बीजेपी पार्टी की जीत तय कर लेंगे तो ये उनकी बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी जीत किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में होगी। ये खबर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और एक बार फिर से चर्चा का विषय बन रही है। तो यह है पूरी खबर अखिलेश यादव को लेकर कि ये ट्वीट वायरल हुआ था अखिलेश यादव को लेकर जनवरी 22 तारीख को। इस बारे में आपका क्या कहना है ये बताना बिल्कुल ना भूलें, नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।